अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम फाइबर नेट के ऊपर अपने डिवाइस का वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करें। वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आप वाईफाई को कनेक्ट करें। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आप अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जो कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी के नाम से आपके मोबाइल में होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे यानी उसकी एड्रेस में ओपन करेंगे 192.168.100.1। ये एड्रेस ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यूज़र नेम यानी अकाउंट और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अकाउंट या यूज़र नेम आप लिखेंगे रूट, ROOT रूट, और पासवर्ड आप लिखेंगे एडमिन, ADMIN। याद रहे कि ये दोनों चीज़ें आपने स्मॉल वर्ड्स में लिखनी हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने अभी दिखाई जा रही हैं। ये लिखने के बाद आपने लॉगिन के बटन को प्रेस करना है। लॉगिन के बटन को प्रेस करने के बाद आपने WLAN के ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको अपना वाईफाई नेम यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो भी आपका वाईफाई नेम होगा वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप अपना वाईफाई का नाम तब्दील भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट के ऊपर WPA प्री शेयर्ड की में आपको आपका पासवर्ड, जो भी आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड रखा हुआ है वो होगा। आपने हाइड वाले बटन को टिक को क्लिक करना है और आपका पासवर्ड, जो भी आपका मौजूदा पासवर्ड है, वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने मौजूदा पासवर्ड को ख़त्म करके जो भी नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो लिख लें। याद रहे कि आपके जितने भी करेक्टर्स हैं वो कम अज़ कम 8 करेक्टर्स होने चाहिए। मैंने अपना नया पासवर्ड पाकिस्तान123 लिखा है। इसको लिखने के बाद अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड वाईफाई का चेंज हो चुका है। अब आप अपने नए पासवर्ड के साथ अपने वाईफाई को कनेक्ट करें।